जब भी कभी आप YouTube पे किसी भी चैनल का वीडियो देखते हैं तो बहुत सारे वीडियो में आपको देखते होंगे कि उस चैनल का लोगो वाटरमार्क के रूप में उसके बॉटम साइड में कॉर्नर पे शो होता है। तो वो अगर आप उस वाटरमार्क पे भी क्लिक करते हैं, उस लोगो पे भी क्लिक करते हैं, तो वो चैनल सब्सक्राइब हो जाता है। तो ये चीज़ होती कैसे है, ये इस चीज़ का यूज आप अपनी वीडियो में कैसे करेंगे, इस चीज़ इस तरह की सारी चीज़ों के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। चलिए तो हेलो दोस्तों, मैं हूँ निशांत और आप देख रहे हैं सीखो कंप्यूटर एंड टेक। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये जो ऑप्शन है इसको, इस ऑप्शन को हम ब्रांडिंग ऑप्शन बोलते हैं, ठीक है, ब्रांडिंग ऑप्शन बोलते हैं। तो इन ऑप्शन के थ्रू आप भी चाहें तो अपने चैनल का लोगो ले जा करके वहाँ पे लगा सकते हैं और एक टाइमिंग सेट करते से कर सकते हैं, उतने टाइम्स के बाद वो जो लोगो होता है आपका चैनल का वो वीडियो के कॉर्नर में शो होने लगता है। वहाँ पे अगर जाकर कोई भी पर्सन क्लिक करता है तो वहाँ के उस क्लिक के थ्रू भी आपका चैनल वो सब्सक्राइब हो जाता है, ठीक है। तो मेरे भी अगर वीडियो आप देखते होंगे, मेरी वीडियो में भी नीचे कॉर्नर पर ये चीज़ शो होता है, मेरे जो चैनल का जो लोगो है वो भी 5 सेकेंड्स के बाद वहाँ पर शो होने लगता है। तो इन चीज़ों का यूज आप अपने वीडियो कैसे करेंगे, इन सारी चीज़ों के बारे में हम आज इस वीडियो में बात करने वाले, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और सारी चीज़ समझते हैं। सबसे पहले आपको अपना YouTube चैनल ओपन कर लेना है, मतलब किसी ब्राउजर में करके ओपन कर लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्लिक करके क्रिएटर स्टूडियो में सिंपली आपको आ जाना है, ठीक है। जब आप क्रिएटर स्टूडियो में आ जाएंगे, वहाँ पे आने के बाद स्क्रॉल करके नीचे वाले सेक्शन में, यहाँ पे आने के बाद नीचे वाले सेक्शन में जो चैनल का जो सेक्शन है, इस सेक्शन पे आना है, चैनल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है आपको, ठीक है। जब आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो उसके बाद कुछ एक ऑप्शन उससे जुड़े रिलेटेड हमारे सामने खुल करके आएंगे। तो इसमें देखिए एक ऑप्शन तीसरे नंबर पर दिख रहा है ब्रांडिंग का, ब्रांडिंग वाले ऑप्शन पर हमको सिंपली क्लिक करना है। इस पर जब आप क्लिक कर देंगे तो देखिए ये ऑप्शन यहाँ पे आपको मिलता है ऐड अ वाटरमार्क, यानी कि जो आपका चैनल का लोगो है वो यहाँ पे हमें ऐड करना है। आप चाहो तो कोई अदर इमेज भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो, ठीक है, लेकिन जो लोगो है वो चैनल, वो जो आपका चैनल का लोगो है वही इमेज यहाँ पे लगाना बेटर रहेगा। इस पर सिंपली क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है आप PNG या जिप फाइल के रूप में यहाँ पे कोई भी इमेज लगा सकते हैं और उसकी मैक्सिमम फाइल साइज 1 MB की होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद चूज फाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको जो इमेज लगानी है, मतलब जो इमेज आपके कंप्यूटर में रखा हुआ है, इतने सारे में जो आपने जहाँ रखा है आपके चैनल का जो लोगो है, उस लोगो पे आकर के यहाँ पे क्लिक करके ओपन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सेव वाले ऑप्शन पे आपको सिंपली क्लिक करना है। जब आप सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं तो वो जो आपने जो इमेज लगाया वो यहाँ पे आपको शो होगा, ठीक है, इस तरह से। उसके बाद अगर ये इमेज आपने गलती से भी अगर इमेज लगा देता आप चाहें तो यहाँ पे चूज अ न्यू फाइल पे करके फिर से दूसरा इमेज अपना चूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सेव पे क्लिक करना है। जब आप सेव पे क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपको उस मतलब सारे वीडियो पे अपलोड है। देखिए यहाँ पे मिला है ऑप्शन, आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा है शोइंग ऑन ऑल योर अपलोड्स, इट मींस कि जितने भी आपके वीडियो होंगे उस पर ये जो आपका जो वीडियो चैनल का वाटरमार्क होगा, वो जो लोगो होगा वो ऑटोमेटिकली सारे वीडियो पे शो होगा। अब बस यहाँ पे आपको क्या करना है, ये कस्टम स्टार्ट टाइम है, यानी कि कितने सेकेंड्स कितने मिनट के बाद आप चाहते हैं कि जो आपका चैनल का लोगो है वाटरमार्क है वो यहाँ पे शो होने लगे, कितने टाइमिंग के बाद। तो यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग टाइमिंग सेट कर सकते हैं। यहाँ पे 0.5 मतलब कि 5 सेकेंड्स हैं, आप 10 सेकेंड, 12 सेकेंड, 4 सेकेंड, 2 सेकेंड, मतलब जितना चाहो उतना कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे अपडेट पे क्लिक कर देना, ठीक है। तो इस तरह इस अपडेट करने के बाद, मतलब ये जो आपका जो अब इमेज था, मतलब जो लोगो था वो यहाँ पे लग चुका है। अब आपके हर एक वीडियो पे 5 सेकेंड के बाद ये लोग यहाँ पे शो होने लगेगा और जो भी व्यूवर्स आते हैं अगर इस इमेज पे भी क्लिक करेंगे तो आपका चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप ब्रांडिंग वाटरमार्क ब्रांडिंग ऑप्शन का यूज कर सकते हैं और अपने चैनल पे अपने वीडियो सारी वीडियो पे इस तरह से अपने चैनल का लोगो लगा सकते हैं। तो इन तरीकों के थ्रू आप अपने वीडियो का भी वाटरमार्क अपने मतलब आप अपने चैनल का लोगो वाटरमार्क के रूप में अपने वीडियो के कॉर्नर पर लगा सकते हैं और अपने वीडियो को थोड़ा सा अट्रैक्टिव बना सकते हैं। ये सारी चीज़ें थी जो मैंने आपको अभी भी बताई। तो वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं और अब अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।